brought to you by Candid. Redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे चार skin problems का एक expert solution. अब रहो unstoppable Candid dusting powder के साथ. Doctors का सुझाया number one पे. 30 सितंबर 2023 की सुबह तुर्की के कायसेरी प्रांत में जानवरों का एक डॉक्टर अपने काम पर निकला. उसको पास के एक गांव में बुलाया गया था. गांव आता उससे पहले दो लोग उसकी कार के सामने आ गए. डॉक्टर ने गाड़ी रोकी, वजह पूछी. इतने में धाएं धाएं की आवाज़ आई. डॉक्टर का बेजान शरीर स्टेयरिंग पर झुक गया था. हथियारों ने डॉक्टर की बॉडी को किनारे में फेंक दिया और कार लेकर भाग गए. अगली सुबह वे 260 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे, तुर्की की राजधानी अंकारा में, जहां कुछ घंटे के बाद संसद का सत्र शुरू होने वाला था. वहां राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान भाषण देने वाले थे. उससे पहले एक बड़ा हादसा इंतजार कर रहा था. हमलावरों ने लूटी हुई कार गृह मंत्रालय की इमारत के बाहर पार्क की. पहले ने कार से निकलते ही मिनिस्ट्री के गेट पर बम फेंका, फिर खुद को उड़ा लिया. वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटका. इसका फायदा उठाकर दूसरा हमलावर फायरिंग करते हुए कंपाउंड के अंदर घुस गया. जल्द ही उसे भी मार गिराया गया. पूरा हमला कुछ मिनटों तक चला. हालांकि इस बीच में दो गार्ड्स गंभीर रूप से घायल हो चुके थे. हमले की जिम्मेदारी ली कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके ने. इसे तुर्की, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने आतंकी संगठन घोषित किया है. पीकेके पहले भी तुर्की में आतंकी हमले करता रहा है, मगर 1 अक्टूबर की घटना निर्णायक मोड़ ले सकती है. अंकारा में 7 बरस बाद इस तरह का कोई हमला हुआ है, वो भी संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले. इसे एर्दोगान को सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है. इसी वजह से उन्होंने पीकेके पर हमले का आदेश दिया है. न्यूज़ एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट कहती है, तुर्की की एयरफोर्स ने कम से कम 20 ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है. कुछ ठिकाने इराक और सीरिया की सीमा के अंदर भी थे. तो आज हम जानेंगे पीकेके की पूरी कहानी क्या है, इसने सरकार के खिलाफ लड़ाई क्यों छेड़ रखी है और इस हमले के बाद स्वीडन की चिंता क्यों बढ़ गई है. तुर्की के बाद चलेंगे पाकिस्तान, जहां एक नए किस्म का माफिया गिरोह सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क की पूरी दुनिया में लानत मलानत हो रही है. इस गिरोह की कहानी आपको विस्तार से बताएंगे. उससे पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है. आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी. तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया और आर्मेनिया के सीमाई इलाकों में सदियों से एक कौम रहती आई है, कुर्द. इनकी अलग पहचान है, नस्ल, संस्कृति और बोली संबंधित देशों के मूल बाशिंदों से अलग है. ज़्यादातर कुर्द सुन्नी इस्लाम का पालन करते हैं. पूरी दुनिया में कुर्दों की कुल आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा तुर्की में रहते हैं, करीबन 1.5 करोड़. इसके अलावा ईरान में 81 लाख, इराक में 55 लाख, सीरिया में 17 लाख कुर्द रहते हैं. तकरीबन 17 लाख पश्चिमी देशों में रहते हैं. कुछ आबादी मध्य एशिया के देशों में भी है. कुर्द दुनिया की सबसे अधिक सताई कौमों में से एक है, ऐसा कहने की पर्याप्त वजह है. दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद विजेता देशों ने अलग कुर्दिस्तान मुल्क का वादा किया था, फिर आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा से संधि कर ली. इसकी आड़ में कुर्दिस्तान को दरकिनार कर दिया गया. ऑटोमन साम्राज्य के अधीन रहे और भी देशों की सीमाएं बदली. इस तरह कुर्द बढ़ गए. वे अलग अलग देशों में अल्पसंख्यक बनकर रह गए, जिनकी राय बहुत मायने नहीं रखती थी. ज्यादातर मुल्कों में उनका मानवाधिकार हनन हुआ, बराबरी के अधिकार उन्हें नहीं दिए गए. सबसे ज्यादा कुर्द थे तुर्की में. वे अपने लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, मगर अधिकार देने के बजाय उनका दमन किया गया, उनकी पहचान बदल दी गई, उनकी भाषा पर प्रतिबंध लगाए गए और भी कई भेदभाव वाले नियम लाए गए. जब भी प्रोटेस्ट होता, सरकार उन्हें बुरी तरह कुचल देती थी. ऐसा ही कुर्दों के साथ और भी देशों में हुआ. और फिर आया 1978 का साल. अब्दुल्ला ओजलान नाम के एक नौजवान ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके की नींव रखी. ओजलान सेना में जाना चाहता था, लेकिन उसका दाखिला सेना में नहीं हो सका. उसका आरोप है कि कुर्द होने की वजह से उसे एंट्री नहीं मिली और इसी से नाराज होकर उसने पीकेके की स्थापना की थी. ये गुट अलग कुर्दिस्तान देश की मांग करने लगा. इसका पहला सम्मेलन एक चाय की दुकान पर हुआ था. 1980 के दशक में पीकेके ने हिंसा का रास्ता चुना. उसी समय तुर्की में सैन्य तख्तापलट हुआ था. उससे पहले ही ओजलान भागकर सीरिया चला गया. वो वहीं से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को ऑपरेट करने लगा. हिंसा कायम रही, हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे. फिर 1999 में ओजलान
केन्या में पकड़ा गया। उसे तुर्की लाया गया, मौत की सजा सुनाई गई। इसके विरोध में जबरदस्त दंगे हुए। ओजलान ने कुर्दिस्तान वोकस पार्टी को तुर्की छोड़ने के लिए कहा, जेल से ही संघर्ष विराम का इशारा भी किया। फरवरी 2002 में पीकेके और सरकार के बीच संधि हुई, संघर्ष विराम पर समझौता बना। उसी बरस तुर्की ने अपने यहाँ मौत की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया। फिर ओजलान को भी छूट मिली, उसकी सजा आजीवन कारावास में बदल गई। माना जा रहा था कि ओजलान के जेल जाते ही पीकेके खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2004 में उन्होंने समझौता तोड़ दिया, हमले शुरू कर दिए। 2013 में फिर से संघर्ष विराम समझौता हुआ, लेकिन दो बरस बाद ही समझौता टूट गया, हिंसा जारी रही। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2015 से जुलाई 2023 के बीच चली लड़ाई में 6,500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 614 आम नागरिक थे, जबकि लगभग 1,500 सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा थे। शुरुआत से अगर देखा जाए तो हिंसक संघर्ष विराम में 1984 से अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमने अंकारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उमेर अनस से पूछा, पीकेके की कहानी क्या है और ये सरकार से लड़ती भिड़ती क्यों रहती है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। चूंकि 1970s में एस्टैब्लिश हो गया था, खासतौर से जब सोवियत यूनियन का बहुत ही उभार था, तो उसको सोवियत यूनियन के समर्थन की चीजें भी मिली और पूरे इलाके में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उसका उसको बहुत साथ मिला, तो उसकी वजह से वो बहुत ही पॉपुलर भी हो गया, स्पेशली कुर्दिश पॉपुलेशन में। और ये तो मैं सिर्फ संगठन के बारे में ये बात कह रहा हूँ, और बुनियादी तौर पर वो ये समझते हैं कि हमें जितने भी कुर्द हैं उस इलाके में उन सबको मिलाकर के एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए। और वो इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब ये है कि जो भी मौजूदा बॉर्डर है टर्की का, तो टर्की के बॉर्डर से तोड़ करके एक देश बनना चाहिए जो जिसको वो कुर्दों की आबादी के लिए एक देश को कह सके। अब इसमें समस्या ये है कि कुर्दों की एक बहुत बड़ी आबादी तुर्की के अंदर रहती है, जो कुर्दिश इलाके जहां पर हैं बॉर्डर के वहां नहीं बल्कि दूसरी तरफ रहते हैं, मेन इस्तांबुल में सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है। उसके अलावा जो कुर्दों की आबादी है बहुत बड़ी तादाद में वो सीरिया में, बहुत बड़ी तादाद जो है वो ईरान में, और बहुत बड़ी तादाद इराक में। तो इसलिए ये माना जाता है कि एक ऐसा संगठन है जो इन सारे देशों से थोड़ी थोड़ी जमीन निकाल करके, थोड़े थोड़े इलाके बना करके एक बड़ा देश बनाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा संगठन है जो एक ऐसा देश बनाना चाहता है जिससे कम से कम 4 के 5 के 5 पूरे देश जो है वो प्रभावित होंगे। तो इतने सारे देशों को अपने खिलाफ कर करके इस संगठन ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। साथ ही उसने आइडियोलॉजिकली एक ऐसा फेस रखा है कि जो बहुत ही पॉपुलर है, तो लोग ये समझते हैं कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है, लेकिन जो इनका इतिहास है वो ये है कि सुसाइड बॉम्बिंग से लेकर टारगेट किलिंग तक, और बच्चों को अगवा करके जो एक चाइल्ड सोल्जर का कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों के जो को लड़ाके बनाने वाला, वो ये सब काम करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में करते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग से इनका मेन इनकम होती है, जो ऑयल का ब्लैक मार्केट होता है उसमें, और जो हथियारों की ब्लैक मार्केट होती है उन सब में उसका साथ है। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि जहां पर आप देखेंगे कि एक ऐसा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक पूंजीपति देश का सरदार अमेरिका जैसे देश का पूरा समर्थन भी उसको प्राप्त होता है, और ऑफकोर्स रशिया की भी हमदर्दी उसको रहती है, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि वो उस तरह का एक संगठन वहां पर पनपे, वहां पर बना रहे। इसी वजह से वो अभी तक की तरक्की कर रहा है। उसने कई सारे नाम बदले हैं, लेकिन तुर्की का ये कहना है कि वो चाहे जितने भी नाम बदले लेकिन वो है पीकेके। और कई सारे अच्छे काम जाहिरी तौर पर वो करते हैं कि जैसे वेमेन की इक्वालिटी पर वो बातचीत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो संगठन सचमुच में वेमेन की इक्वालिटी पर एक यकीन रखता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो राष्ट्र हैं वो इस बात को जानते हैं कि दिखावे के लिए बहुत सारे संगठन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस पर उसी तरह से बिलीव करते हों। तो इसलिए तुर्की या दूसरे जो देश है जो लोग उसको जानते हैं वो सचमुच में उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। 2018 में अर्दोगान ने पीकेके के खिलाफ ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच चलाया था,
कहा गया कि उसके बाद से पीकेके खत्म हो गई। ऐसे ही दावे पहले भी कई बार किए गए, लेकिन अब की बार संसद के पास हमला हुआ तो क्या इसे पीकेके के उभार के तौर पर देखा जा सकता है? अभी पीकेके कहां से ऑपरेट कर रही है? पीकेके बेस जो है वो इराक में भी है और सीरिया के अंदर भी है, और कुछ बेस जो तुर्की के इंटेलिजेंस के लोग आरोप लगाते हैं कि ईरान ने भी उनको शह दे रखी है। अगर आप देखेंगे कि जब तुर्की और बाकी देशों के बीच में मतभेद होता है, किसी भी देश के बीच में जब कोई मतभेद होता है तो वो देश ये कोशिश करते हैं कि उन देशों के खिलाफ जो भी काम करने वाले संगठन हैं उनको थोड़ी बहुत पनाह दी जाए। तो तुर्की के साथ भी ऐसा है कि पीकेके को उन सभी देशों का समर्थन प्राप्त हो जाता है जो तुर्की के खिलाफ हैं, और उनको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से वो उनको एक शह मिल जाती है। मैं नहीं समझता कि ये कोई उभार के तौर पर इसको देखना चाहिए, क्योंकि तुर्की का जो एक जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और ये एक थ्रेट है। देखिए पीकेके एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है और एक ऐसा थ्रेट है कि जिसको बहुत समर्थन भी है, लेकिन तुर्की ने जो इधर 5-6 सालों में जो मिलिट्री ऑपरेशंस किए वो बहुत ही मैसिव स्केल के हैं। तो उन्होंने सीरिया में जाके मारा है, इराक में जाके मारा है, हर जगह ऑपरेशन किए हैं। तो वो इसके बावजूद भी बहुत सारे लड़ाके इधर उधर बचते हैं, और जो कि ज्योग्राफी बहुत मुश्किल है वहां की, पहाड़ों की, लोग पहाड़ों में बहुत बहुत दिनों तक छुपे रहते हैं। तो ये एक उसी तरह की एक जिसको लोन वोल्फ कहते हैं, उस तरह का आप कह सकते हैं कि कोई 4-5 लोग इधर उधर बचे होंगे, वो आकर के उन्होंने ये हमला किया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा एक उन्होंने कम्युनिकेशन दिया है कि वो फ्यूचर में इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो इससे ये अंदाजा होता है कि आने वाले समय में तुर्की पीके के खिलाफ और भी व्यापक और बड़ी कार्रवाई शायद कर सकता है। पीकेके को लेकर तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति अर्दोगान का क्या रुख रहा है? मैं अर्दोगान के पार्टी के बारे में आपको मैं बताऊं कि एके पार्टी जो है वो तुर्की में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभर करके आई जो राष्ट्रवादी पार्टियों और जो लेफ्टिस्ट और सेकुलर पार्टियां उन दोनों के खिलाफ उभर करके आई थी, क्योंकि तुर्की में राष्ट्रवाद का बहुत दबाव रहा है और तुर्की उस राष्ट्रवाद के खिलाफ चुनाव में लड़ करके आई थी 2002 में। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ करके आएगी तुर्की के अंदर वो हर हाल में ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी और वो कुर्दों के पक्ष में ज्यादा होगी। तो नेचुरल तौर पर अगर आप देखेंगे कि तुर्की में एके पार्टी के लिए के अंदर कुर्दों की आवाज ज्यादा सुनी जाती है और कुर्दों के लिए एक सिंपैथी मौजूद रहती है, ये एक बिल्कुल नोन बात है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब से अर्दोगान कई इलेक्शन हारे हैं उसके बाद से इलेक्शन जीतने के लिए उनको राष्ट्रवाद के सहारे की जरूरत पड़ी है, तो उस राष्ट्रवाद के सहारे की जब से जरूरत पड़ी है तब से कुर्दों के खिलाफ या कुर्दिश जो अलगाववाद है उसके खिलाफ उनकी आवाज भी मजबूत हुई। लेकिन ये खास तौर से जब से दाइश का और आईएसआईएस का मिलिटेंसी आई है और जब कुर्दों ने कई सारे बॉम्बिंग किए हैं अंकारा में और इस्तांबुल में अलग अलग जगहों पर, तो उसकी वजह से भी एर्दोगान की सोच में पीकेके को लेकर के वो है। लेकिन मैं ये कहूँ कि सिर्फ एर्दोगान की सोच काफी नहीं है, क्योंकि तुर्की में सिक्योरिटी के इशू पर जितना एक प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की सोच है उससे भी ज्यादा शायद वहां की जो फौज है, आर्म फोर्स है, वो उसका मत जो है बहुत ही अहम होता है। फौज क्या सोचती है पीकेके के बारे में, ये शायद सबसे ज्यादा अहम है, और पीकेके के बारे में जो वहां की फौज की सोच है वो बहुत ज्यादा शायद रेडिकल है, बहुत ही साफ है कि वो पीकेके को किसी भी तरह से कोई ग्राउंड नहीं देना चाहते। और इसीलिए जो सीरिया में ऑपरेशन होते हैं उसमें फौज का, तुर्की की फौज का बहुत ही साफ मत होता है कि वो बिल्कुल एक बहुत दूर तक की वो जाकर के कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। तो शायद एर्दोगान जो है वो तुर्की के अंदर जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो, और जो फौज का मत है वो, और खुद अपनी पार्टी का जो मत है, उन तीनों के बीच में बैलेंस बनाने की एक कोशिश करते रहते हैं। तो इसीलिए वो अंदर खाने जो गुपचुप डायलॉग चल रहे हैं उसको भी समर्थन करते हैं, फौजी कार्रवाई को भी समर्थन करते हैं, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कुर्दिश पॉपुलेशन उनकी पार्टी में भी आ जाए और कोई बीच के रास्ता उनको निकल आए। तो एर्दोगान का ये जो एक प्रॉब्लम है बैलेंसिंग एक्ट का, वो
बहुत मरतबा कामयाब हो जाता है और बहुत मरतबा वो टूटने लगता है। तो शायद ये इस वक्त एक ऐसा मौका है जहां पर वो बैलेंसिंग एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। ये तो हुआ तुर्की के कुर्दों का हाल, अब बाकी जगहों का हाल भी जान लेते हैं। सीरिया में लगभग 17 लाख कुर्द रहते हैं, ये कुल आबादी का 9% है। 2013 में इस्लामिक स्टेट अपने उरूज पर था, तब उसने अपनी नज़रें कुर्दों के इलाकों पर डाली, हमले किए, ये एक साल चला, फिर कुर्दों ने अपने लड़ाकों को तैयार किया, अमेरिका जब सीरिया पहुंचा, उनकी मदद की, बदले में अमेरिका ने उन्हें हथियार दिए। शुरुआत में कुर्द चाहते थे कि इन्हें सीरिया में रहते ही ऑटोनॉमी मिले, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि इन्हें सीरिया से आज़ादी मिले। सीरिया में कुर्दों का सबसे अहम संगठन है पीपल्स डिफेंस यूनिट या YPG, इनका PKK से सीधा संबंध है। तुर्की की सरकार इन्हें PKK का एक्सटेंशन मानती है। इराक में मौजूद कुर्द सबसे ताकतवर हैं क्योंकि इनके पास स्वायत्त राज्य है, काफ़ी पैसा भी है, तेल के बड़े भंडार हैं और इराकी कुर्दिस्तान बिजनेस का केंद्र बन चुका है। पश्चिमी देशों की मदद से सद्दाम हुसैन के वक्त में ही उन्हें स्वायत्तता मिल गई थी। उनके रिश्ते तुर्की से बहुत अच्छे हैं, अमेरिका से भी दोस्ताना संबंध है। एक और बात आपको यहाँ बता दें, तुर्की के PKK और सीरिया के YPG संगठन का इराक के कुर्दों से कोई रिश्ता नहीं है। सितंबर 2017 में इराकी कुर्दिस्तान में स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 92% लोगों ने अलग देश की मांग की थी। इस जनमत संग्रह को इराक की सरकार ने असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया था। इसके बाद इराक ने कुर्द क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात कर दिए थे, जिसके बाद इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा रहा है। अब स्वीडन वाला फैक्टर भी आपको बताते हैं। स्वीडन ने 16 मई 2022 को नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई। स्वीडन रूस की आक्रामकता से बचने के लिए ऐसा कर रहा था। उसके साथ में फिनलैंड ने भी नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। उस वक्त तक नेटो में 30 मेंबर थे। नेटो का सदस्य बनने के लिए सभी मेंबर्स की मंजूरी ज़रूरी होती है। तुर्की ने फिनलैंड के नाम पर वोट कर दिया, मगर स्वीडन पर राजी वो नहीं हुआ। उसका कहना था कि स्वीडन PKK के आतंकियों को अपने यहाँ बसाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम वोट नहीं करेंगे। स्वीडन में कुर्द समुदाय बड़ी संख्या में रहता है, कुछ सांसद कुर्द मूल के भी हैं। हालांकि जुलाई 2023 में तुर्की ने बातचीत से मसला सुलझा लिया। इसी हफ्ते तुर्की की संसद में इस बाबत प्रस्ताव लाया जाने वाला था, उससे पहले ही PKK ने हमला कर माहौल बिगाड़ दिया है। हमने एक्सपर्ट से पूछा, क्या इस हमले के बाद स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर अड़ंगा लग सकता है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये इससे उसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए, और ये उसी वक्त जुड़ सकता है जब तुर्की ये कहे कि ये जो लड़ाके आए थे ये इनको स्वीडन का किसी तरह से समर्थन था। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि स्वीडन ने अभी जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो पिछली नेटो समिट में स्वीडन को शामिल करने पर जो प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसका एर्दोगान ने भी समर्थन किया था, उसके मुताबिक स्वीडन ने ये माना है कि PKK एक आतंकवादी संगठन है और PKK की जो जड़ें हैं वो स्वीडन में मौजूद हैं, और उसको रोकना, उनको ख़त्म करना स्वीडन की जिम्मेदारी है। तो वो कई स्टेप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर कई सालों से, 20-25 सालों से एक संगठन किसी देश में बहुत अंदर तक फैला हो, तो वो एक दिन में उसको ख़त्म करना आसान नहीं होता है। तो मैं नहीं समझता कि उससे उस पर कोई रुकावट आएगी। लेकिन PKK स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तुर्की के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। तारीख 29 सितंबर 2023, जगह पाकिस्तान के मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार थी, पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठकर सीट बेल्ट बांध चुके थे। इतने में अनाउंस हुआ कि यात्रीगण रिलैक्स हो जाएं, उड़ान में थोड़ी देर होगी। इस बीच फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कुछ अधिकारी प्लेन में घुसे, उन्होंने एक लिस्ट निकाली, फिर कुछ लोगों को साइड में लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। उस रोज FIA ने कुल 16 लोगों को पकड़ा था, उनमें से 11 महिलाएं थीं, उनके साथ एक बच्चा भी था। लेकिन किस जुर्म में पकड़ा गया था? दरअसल ये लोग उम्रा वीजा पर भीख मांगने सऊदी अरब जा रहे थे। उम्रा मक्का की तीर्थ यात्रा का नाम है, यह हज से अलग है। उम्रा पूरे साल भर किया जा सकता है, इसके लिए भी अलग वीजा की दरकार होती है। ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक या पर्यटन वीजा पर विदेश गए पाकिस्तानी नागरिक भीख मांगते हुए पकड़े गए हों। 28 सितंबर को सरकार ने संसद की एक कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश की, क्या क्या बताया? नंबर एक,
विदेश में गिरफ्तार किए गए 90% से अधिक भिखारी पाकिस्तान से थे। नंबर दो, इराक और सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर नाराजगी जाहिर की है, कहा है कि उनकी वजह से जेलों में अराजकता फैल गई है। नंबर तीन, कई लोग पॉकेटमारी और चोरी छिनैते जैसे अपराध भी कर रहे हैं, उनकी वजह से मुल्क की फजीहत हो रही है। नंबर चार, सऊदी अरब, इराक और ईरान के बाद उन्होंने जापान जाना भी शुरू किया है। अब इसकी वजह भी आपको बताते हैं। पहली, आर्थिक संकट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की लगभग 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। महंगाई अपने चरम पर है, रोजगार की भारी कमी है, ऐसे में भीख मांगने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। कोरोना महामारी के बाद स्थिति और बदतर हुई है। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार। पाकिस्तान ने 1958 में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया था, मगर धरातल पर सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, ना ही इसकी जड़ ढूंढने की कोशिश ही की। पुलिस कभी कभार गिरफ्तारियां करती है, लेकिन घूस लेकर छोड़ भी देती है। यही वजह है कि 2022 में पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या 50 लाख से ऊपर पहुंच चुकी थी। तीसरी वजह, माफिया गिरोहों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में भीख मांगना संगठित अपराध का रूप ले चुका है। कई ऐसे माफिया गिरोह हैं जिन्होंने इसको पेशा बना रखा है। बेघर बच्चे इनका आसानी से निशाना बन जाते हैं, उन्हें भीख मिलने में आसानी होती है, भीख का बड़ा हिस्सा ये गिरोह ले जाते हैं। 29 सितंबर को मुल्तान एयरपोर्ट पर पकड़े गए लोगों ने बताया कि उनके ट्रैवल और टिकट का इंतजाम ऐसे ही एक गिरोह ने कराया था, बदले में भीख का आधा हिस्सा उन्हें लौटाना था। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ, शुक्रिया, शुभरात्रि।